मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग यूपी बोर्ड की 9th इंटरमीडिएट की क्लास की स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। और उसका जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करा देना चाहते हैं कि मिश्रण है क्या चीज। देखिए, जब दो या दो से अधिक अवयवी घटकों को आपस में किसी भी अनुपात में इन एनी रेशियो किसी भी अनुपात में मिक्स कर दिया जाता है तब वो मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त होने वाले जो मिश्रण होता है वो प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है वो मिश्रण कहलाता है। जैसे सीमेंट में रेत मिलाया, मछली मिलाई, बजरपुर मिलाया, बाटल मिलाया, तो ये क्या हुआ, मिश्रण। कितना भी रेत मिलाया जा सकता है, कितनी भी बजरी मिलाई जा सकती है, इसके अकॉर्डिंग किस तरीके अकॉर्डिंग, तो वो मिश्रण बनाता है, ठीक है। लेकिन इंजीनियर के अकॉर्डिंग जो मिलाई जाती है कि इतने सीमेंट में इतनी रेत, इतनी बजरपुर और इतना पानी मिलेगा, तो वो मिश्रण नहीं होता है, वो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है, क्योंकि सीमेंट के जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है रेत के पार्टिकल्स के साथ, बजरी के पार्टिकल्स के साथ, बजरपुर के पार्टिकल्स के साथ, वो एक लिमिटेड है, जिसे कैलकुलेटिंग मेथड में ही अनुमानित किया जा सकता है। अगर हम उससे कम या ज़्यादा करेंगे तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस पर पेपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मछली जो होता है वो किसी भी अनुपात में मिला देते हैं कि इतना 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 मिला दो, लेकिन इंजीनियर जो होता है वो एक फिक्स कैलकुलेटेड रेशियो देता है, उसके अकॉर्डिंग मिलाने पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है। जैसे पिलर वगैरह का होता है, हर चीज़ का अलग अलग कंपोजिशन होता है। प्लास्टर है, इसका कंपोजिशन अलग है, फर्श है, इसका कंपोजिशन अलग है, रिंटर है, इसका कंपोजिशन अलग है, भीम का कंपोजिशन अलग है, दीवार का अलग है, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज है। देखिए, मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अशुद्ध, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक अवयव मिला दिए गए हैं। जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, किसी भी अनुपात में, एट एनी रेशियो, अगर फिक्स अनुपात में मिलाएंगे तो वो मिश्रण प्राप्त नहीं होगा, यौगिक होगा। किसी भी अनुपात में प्राप्त साधारण भौतिक विधियों के द्वारा, जैसे अगर हमने रेत में पानी मिलाया हुआ है तो उसे निथार करके अलग किया जा सकता है, क्योंकि जब हम उस बाउल को, कटोरी को या ग्लास को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो रेत के जो पार्टिकल हैं नीचे स्कैटर्ड हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और उसके बाद हम धीरे 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 पानी को निकाल देंगे, जिसे कहते हैं निथारना, रेत के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। चावल के अंदर से भूसी अलग की जाती है, कैसे अलग की जाती है, ऐसे हवा में उछाल उछाल करके अलग की जाती है, क्योंकि भूसी हल्की होती है, चावल का जो ग्रेन होता है राइस ग्रेन वो थोड़ा भारी होता है, वो नीचे बैठ जाता है और वो उड़ जाती है। आटे के अंदर से जो भूसी निकालते हैं उसे फिल्ट्रेशन के द्वारा निकालते हैं। ये भौतिक विधियाँ हैं। रेत के पार्टिकल्स में लोहे का पाउडर मिल गया, हाँ, उसे कैसे पृथक करते हैं, चुंबकीय पृथककरण विधि द्वारा पृथक करते हैं, लेकिन क्या है, भौतिक विधियाँ हैं। तो मिश्रण को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। एक बात, दूसरी बात, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक है समांगी मिश्रण, दूसरे है विषमांगी मिश्रण। देखिए, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन होती है, एक होती है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की। जब हम ठोस को ठोस में मिलाते हैं, जैसे सीमेंट, रेत और बजरी बजरपुर को आपस में मिलाया हुआ है, अभी वाटर नहीं डाला है उसमें, तो ये बना समांगी मिश्रण। जब तक वाटर को नहीं मिलाया गया है तब तक समांगी मिश्रण बना, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल्स कैसी अवस्था में, ठोस ही अवस्था में है। सीमेंट है वो भी सॉलिड है, रेत है वो भी सॉलिड है, बजरी है वो भी सॉलिड है, बजरपुर है वो भी सॉलिड है, सरिया भी सॉलिड है, तो इन सारी की सारी चीज़ों का मिश्रण जो है कैसा है, समांगी मिश्रण है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं, पानी को मिलाते हैं, तो फिर ये समांगी मिश्रण नहीं रह जाता है, क्योंकि पहले वाले सारे के सारे पदार्थ थे ठोस अवस्था में और पानी जो है वो द्रव अवस्था में है, तो भौतिक अवस्थाएँ परिवर्तित हो गई हैं। जब भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन पाया जाता है, ये दो या दो से अधिक प्रकार की भौतिक अवस्थाएँ पाई जाती हैं, तो वो मिश्रण हमारा समांगी मिश्रण नहीं रह जाता है। कैसा मिश्रण कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। दूध के अंदर पानी डाल दिया, समांगी मिश्रण। तेल के अंदर पानी मिक्स कर दिया, समांगी मिश्रण। तेल पानी के अंदर नींबू का जूस मिक्स कर दिया, समांगी मिश्रण। पानी के अंदर मौसमी का जूस मिक्स कर दिया, समांगी मिश्रण, क्योंकि वो भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है। अब पानी के अंदर हमने रेत मिक्स
जब उसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो पूरी तरीके से लिक्विफाई हो जाती है। डिसॉल्व होने के बाद सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, जबकि रेत को पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद उसके पार्टिकल्स दूर दूर तो हो जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में ही। इसलिए रेत और पानी का जो मिश्रण है वो है मिश्रामी मिश्रण, पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो है सामग्री मिश्रण, क्योंकि पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। और रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं, दूर दूर हो जाने के कारण हमें पानी का कलर मैला तो दिखाई देता है, आप कहते हैं रेत घुल गया, लेकिन रेत घुला नहीं, उसके पार्टिकल्स उसके अंदर घूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद नीचे स्कैटर्ड हो जाते हैं और उसे निखार करके छान कर